इंग्लिश क्लास टेंथ इंग्लिश ग्रामर चैप्टर टेंस है। लिसन केयरफुली डियर फ्रेंड्स, लिसन केयरफुली। सबसे पहले जानिए कि टेंस कहते हैं किसको, टेंस का डिफिनेशन क्या है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि टेंस का डिफिनेशन क्या होता है, टेंस कहते हैं किसे। नोट कीजिए डिफिनेशन पहले टेंस का। द टेंस रेफर्स टू द टाइम, refers to the time, the tense refers to the time, the tense refers to the time at which the tense refers to the time at which the action indicated by verb the tense refers to the time at which the action indicated by verb takes place। देखिए टेंस का डिफिनेशन हो गया, द टेंस रेफर्स टू द टाइम एट विच द एक्शन इंडिकेटेड बाई वर्ब टेक्स प्लेस। अगेन आई रिपीट, द टेंस रेफर्स टू द टाइम एट विच द एक्शन इंडिकेटेड बाई वर्ब टेक्स प्लेस। तुम लोग जानते हो टेंस के तीन भेद होते हैं मुख्य रूप से, काइंड्स ऑफ टेंस, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट जिसको कहा जाता है। इसी टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट एक ही चीज है, एक ही टेंस का नाम है। दूसरा काइंड्स ऑफ टेंस, पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। काइंड्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। ये काइंड्स ऑफ टेंस हो गया, पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसी टेंस का नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी है, इसी टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी को प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है और इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है।
दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दूसरा क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या इसी को इसी टेंस का नाम प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। इसका पहला का सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसी टेंस का नाम प्रेजेंट इंडिफिनिट भी है, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और उसी टेंस का नाम प्रेजेंट इम्परफेक्ट है, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यह हो गया टाइम्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसी टेंस का नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और इसी टेंस का नाम प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहा जाता है, तीसरा में है प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वी वन और वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वी वन और वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। अब कहाँ वी वन और वी फाइव का मालूम हो प्रयोग होता है, मालूम है तो बताए, अगले दिन इसकी चर्चा की जाएगी, अभी नहीं नोट करें और इसको अच्छी तरह याद करें। थैंक्स।